प्रिय छात्र और छात्राओं, जैसे कि नीट और जेईई की परीक्षा तिथियों की हम लोगों ने घोषणा की थी और आप बेहतर तरीके से उसकी तैयारी में भी जुटे हैं। पीछे के समय में आपने कहा था कि क्योंकि कोचिंग सेंटर जब बंद है और हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर एनटीए ने एक अच्छी पहल की थी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, और उन्होंने आपके लिए एक बहुत सुंदर ऐप तैयार किया था और वो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप तैयार किया था। उस ऐप में सारे प्रश्न आपको मिल रहे थे और वो अंग्रेजी में था, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उसको डाउनलोड किया और लगभग 10 लाख छात्रों ने उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है, और उसके बाद मैं देख रहा था कि लगभग 17 लाख बार ये जो टेस्ट है वो आपने दिया, 17 लाख बार इस ऐप में। तो आपको घर पर ही रह करके बहुत अच्छी तैयारी, ज़ोरदार तैयारी करने का आपको ये अवसर एनटीए ने दिया है, और अब बहुत सारे छात्रों का ये बहुत मांग थी कि जो हिंदी माध्यम से अपनी परीक्षाओं को देना चाहते हैं, जो हिंदी माध्यम से पढ़ कर के आए हैं, उनके सामने बहुत कठिनाई है, और ये जो प्रश्न पत्र हैं इस ऐप में वो हिंदी में भी आ जाते तो उनका रास्ता और सुगम हो जाता। तो फिर एक बार एनटीए ने ये कोशिश की है, और मैं एनटीए के डीजी को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर जोशी को, कि उन्होंने हिंदी के छात्रों के लिए भी एक बहुत अच्छा ये ऐप में व्यवस्था की है। और अब जहाँ अंग्रेजी के प्रतिदिन आप एक पेपर देख पा रहे थे, अभी तक 26 पेपर आपने अंग्रेजी में लिए हैं, उस पर अपने तैयारी की है, अपने स्वयं का मूल्यांकन किया, अपनी परीक्षाओं को दिया है, तो अब आज आपको इस बात की खुशी होगी कि अब हम हिंदी में भी आपको सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत हो रही है, बहुत चंद घंटों के बाद आज से ये आपको हिंदी में भी ये सामग्री उपलब्ध होगी। जहां उस ऐप पर अंग्रेजी में सामग्री डाली जा रही है, प्रश्न डाले जा रहे हैं, अब वो हिंदी में भी डाले जाएंगे और आप उसका भरपूर उपयोग कर सकेंगे। मेरी शुभकामना कि आप इस भयंकर संकट के बीच जो कोरोना का चल रहा है, अपनी भी सुरक्षा कर रहे होंगे, अपने परिवार की भी सुरक्षा कर रहे होंगे, और आप बिल्कुल बिना किसी तनाव के आप अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। मेरी आपको शुभकामना कि आप इस ऐप का भरपूर उपयोग करिए, और अब कोचिंग सेंटर आपके हाथों में दिया गया है, तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, आप बखूबी उसका अध्ययन करिए, स्वयं अपना मूल्यांकन भी करिए, और निश्चित रूप में आपको ये आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरे आपको बहुत शुभकामनाएं।